एकरा मार डाली गा महाकाली। कौन सी महाकाली? हमने बोला माँ पीछे हट जाए से फिर आप क्यों नहीं पीछे, आप चीज पे रहोगे तो कैसे हम देख पाएंगे जी आपके साथ? और बोलो छोड़ो, आप छोड़ो पीछे। कौन है भाई? कौन है? घर का हूँ। घर के हो? कौन? रम्मू। रम्मू? ब्रह्म। ब्रह्म? ये आपको पूछता है बच्चा? पूछता है। अच्छा, तेरी प्रेत रूप में? तो फिर ब्रह्म थोड़ी है, आप तो ब्रह्म प्रेत हो फिर। हाँ, तो आप इस बच्चे पे कैसे आए? घर का है इसलिए रहता हूँ। अरे ब्रह्म प्रेत तो घर का कैसे हो गया भैया? ब्रह्म प्रेत तो अलग चीज हो गई ना, घर के तो पितर होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है। ब्रह्म तो भाई अलग चीज है, इसके घर का भाई हूँ इसका। तो ब्रह्म कैसे हो गए आप? आप पंडित हो तो आप ब्रह्म प्रेत बन गए हो? ब्रह्म राक्षस एक ही बात होगी, ब्रह्म प्रेत ब्रह्म राक्षस एक ही बात है वो। तो आप जो है फिर इस बच्चे पे क्यों हो? सेवा देता है पितृ देव। सेवा आपकी देता है? सबकी करता है, ब्रह्म देवता करता है ना सेवा? तो ये ब्रह्म देवता है। तो ब्रह्म देवता को आना चाहिए ब्रह्म, फिर आप क्यों आ रहे हो? मेरी सेवा एक साथ अगले नवरात्रि में पूरी होगी। नहीं तो ब्रह्म राक्षस की सेवा ये बच्चा क्यों करेगा? देखो मेरी बात सुनो, आप जो भी हैं अपने असली रूप में आओ, और दूसरी बात ये कि ये माँ की शरण में है, ठीक है? आप इसको छोड़ो और अपनी मुक्ति कराओ, जो भी हो आप माँ की शरण में जाओ, इस बच्चे को छोड़ दो, ठीक है? ये माँ की शरण में है, जन कल्याण करना चाहता है, माँ ने इसको बुलाया है अपना जो है आशीर्वाद देने के लिए, अपनी शरण में रखने के लिए। आप जो भी है क्लियर कट बात छोड़ दो, अपनी मुक्ति कराओ, माँ की शरण में जाओ। चलो आओ, छोड़ो चलो जाओ माँ की शरण में, चलो छोड़ दो इसको, आप अपनी मुक्ति कराओ माँ की शरण में। जैसे जाते हैं वैसे ऐसे नहीं, जैसे छोड़ते हैं वैसे छोड़ो, और अपना उद्धार कराओ, आप भी अपनी मुक्ति कराओ। मारो जी आप तो नहीं आना दोबारा इस बच्चे पे, अभी छोड़ करके जाओ माँ की शरण में, अपनी मुक्ति कराओ और अपना जो भी है नया जीवन पाओ।